नमस्कार दोस्तों, किसान लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि देख सकते हैं, लुधियाना यूनिवर्सिटी मेले के अंदर यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ स्वराज का आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 963 के पीछे इन्होंने लॉन्च की है, आप देख सकते हैं डाली हुई है पोटैटो प्लांटर जो ये है, आप देख सकते हैं नया लॉन्च किया है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ लॉन्च हुआ है। आपको वीडियो को अंत तक देखेगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत अच्छी जानकारी है इसके लिए। तो भाइयों, 5 क्विंटल जो है इसमें आलू का बीज आ सकता है आपके हिसाब से, अगर दिखाऊं। और पीछे से आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है। इसमें एक चीज का बेनिफिट किसानों को एक और मिलेगा, आपको पूरी प्राइस वगैरह सब किसी का कर दूंगा। इसमें एक चीज है, ये दोनों तरीके से प्लांट जो आलू का जो बीज जो है प्लांट करती है खेत के अंदर, वो जिगजैग और स्ट्रेट लाइन दोनों तरीके से, दोनों जो है फॉर्म में ये प्लांट को जो प्लांट करती है पोटैटो को। और इसमें आपको दिखाऊं, ये सामने डिस्क लगी हुई है, सामने देख सकते हैं, इसका काम है पोटैटो के ऊपर जैसे आलू के ऊपर मिट्टी डालने का। और पीछे ये प्लेट है जो बिल्कुल उसको दबाकर प्रेस करती है डॉल को। और ये जो पीछे आप देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है, ये ऐसे जो हम ये नाली को बिल्कुल प्रॉपर सही करने के लिए, बेहतरीन उसको सही उसको शेप देने के लिए पीछे इसके लगे हुए हैं। और ये देखिए टायर इसी से जो है इस अपनी लाइन की गई, जैसे पहले ऊपर टायर है इसके अंदर, और जो पहले जैसे नॉर्मल छोटी होती है उनमें जो होती थी लोहे की जो व्हील लगा होता था, लेकिन इसमें टायर लगे हुए हैं। इसी से इसका बैलेंस भी बनेगा, गहराई वगैरह सबको इसी से सेट होगी। और जो है और पूरा जो है बेल्ट सिस्टम जो पूरा चलेगा, जो ऑटोमेटिक चलेगी वो इसी टायरों से चलेगी, आप देख सकते हैं। और ये जुगाड़ इसमें आप दिखा सकते हैं आपको, ये आगे इसमें ये खाद स्टोर होता है, खाद डलता है साथ के साथ, नीचे ये खाद भी गिरती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने की तरह, बिल्कुल जहाँ पे पोटैटो का सीड गिरना है वहां पर जो है बिल्कुल खाद वगैरह गिरेगा। तो ये देख सकते हैं आप, तो भाई साहब बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और प्राइस वगैरह की आपको मैं अभी इन्फॉर्मेशन भी इसमें देंगे भाइयों, आपका प्राइस वगैरह में सारी चीज की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो नमस्कार जी, तो आप गुड आफ्टरनून ऑल, माई सेल्फ दीक्षा, मैं आई एम फ्रॉम स्वराज। तो मैं अब आपको पोटैटो इसके बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइस है 5.25 लाख, और बिकॉज ऑफ दिस मेला हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं 30,000 का। दिखाते हैं नई मशीन लॉन्च किया स्वराज ने कोड के नाम से, कोड बाय स्वराज। तो इसकी आपको पहले ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ आपको, देखिए यही से आप क्या कहेंगे, ट्रैक्टर कहेंगे आप क्या कहेंगे। तो भाइयों आपको दिखाते हैं सारा ट्रैक्टर का ओवरऑल लुक। तो ये इसके पीछे रूटर है, आप देख सकते हैं इसके पीछे जुड़ा हुआ है। तो इसके हाइड्रोलिक सिस्टम को दिखाता हूँ, ये इसकी हाइड्रोलिक सिस्टम है, बड़ा ठीक है ट्रैक्टर के हिसाब से ठीक है। और पीछे अपना पीटीओ सिस्टम हो गई, अपने पीटीओ हो गई, हजार चक्रों की पीटीओ हो गई, इसका जैक हो गया, हाइड्रोलिक जैक पीछे हो गया। तो भाइयों आपको इसके बात करूँ इंजन की, तो सबसे पहले आपको इंजन को बताऊँ कि इसका 16 पावर का इंजन है। तो आपको सबसे पहले एक सबसे यूनिक चीज़ दिखाता हूँ इसकी, कि आप देख सकते हैं इसमें हेडलाइट, ये हेडलाइट हो गई, और इसमें स्टेयर की जगह हैंडल दिया गया है। और ये इसकी रेस आप देख सकते हैं, हाई लो हाई बिल्कुल। और सर इसमें पेट्रोल, यहाँ से इसमें पेट्रोल डालने का टैंकी हो गई, यहाँ से पेट्रोल डलेगा। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से वर्क करता है, आप घुमाएंगे इस तरीके से इसका वर्क करता है। तो इसमें आपको अगर गेयर सिस्टम दिखाऊँ आपको, उसमें हाई लो रिवर्स, तीन गियर हैं इसमें, ठीक है, तीन हाई में, तीन लो, तीन गियर हैं इसमें, तीन हाई में, तीन लो में, और तीन रिवर्स में इसमें गियर है। तो एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये सेल्फ स्टार्ट भी है, यहाँ से होना है, ये इसमें सेल्फ हो गया, सेल्फ स्टार्ट भी है। और अगर सेल्फ में वर्क नहीं करती है तो आप इसको रस्सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये देखिए इसमें ये रस्सी स्टार्ट भी है। और ये इसकी पार्किंग हैंड ब्रेक हो गए, ये इसका लीवर हो गया हाइड्रोलिक्स का आप देख सकते हैं, और ये इसका डिफेंसर लॉक हो गया आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ ट्रैक्टर बनाया है। और अगर कहें आपको दिखाऊं सिस्टम, और इसके जो ये देखिए यहाँ सर क्रॉस, इस यहाँ से आगे से इसमें क्रॉस पीछे की तरफ आ रहे हैं, देख सकते हैं रॉड और क्रॉस के जरिए यहाँ पर पीछे तक कनेक्टेड है, यहाँ से चलता है। और भाई कंपनी का ये कहना है कि इसके जो टायर, अगर आप चाहें तो अपने टायर व्हील बदल के इसकी आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं, अगले पिछले दोनों टायर बदल के इसकी हाइट बढ़ सकती है। और भाई एक चीज़ और है कि कंपनी का ये कहना है कि ये ट्रैक्टर नहीं है, ये मशीन है, मतलब आम भाषा में तो लोग इसे ट्रैक्टर ही बोलेंगे, लेकिन जो कंपनी का ये कहना है कि ये मशीन है, ये ट्रैक्टर नहीं है। तो भाई
इसकी कीमत अगर आपको बताऊं, इसकी कीमत है ट्रैक्टर की, इसकी मशीन की कीमत है 2,15,000 रुपए के आसपास कीमत है, 15 या 20 के आसपास इसकी मशीन की कीमत है। पेट्रोल पावर्ड 16 हॉर्स पावर का ये मशीन है, ये आप देख सकते हैं इसमें पेट्रोल पावर्ड है। तो और भाइयों ये असल में सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, ये होती है जैसे ट्रंच विधि से जो गन्ना बोते हैं, ये बागवानी के अंदर जो नेड़ी जुदाई करनी हो जिन्होंने, उनके लिए बहुत बेस्ट है, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, आप देख सकते हैं। तो और आपको भाई जैसे कि आपको बताऊं कि इसमें आपकी कंपनी कहना है कि आप अपने टायर बदल के इसके हाइट भी बढ़ा घटा सकते हैं। 16 हॉर्स पावर का इसमें पेट्रोल पावर्ड इंजन है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। और आपको भाई देख सकते हैं बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट हो गया इसमें, हैंडल स्टेरिंग की जगह हैंडल हो गया, हैंडल से अब ये ऑपरेट होगा, ठीक है ना। तो भाई आपको वीडियो में ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा, इसके ट्रैक्टर के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और ट्रैक्टर के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको इसी प्रकार की बहुत अच्छी जानकारी वाली वीडियो आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।